मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल सागर जिले के बीना दौरे पर आ रहे हैं। जी हां, जिले के बीना नगर को जिला बनाए जाने की अटकलों के बीच कल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से करीब 1:10 पर बीना पहुंचेंगे। इसके बाद वह करीब 3 घंटे तक यहां रहकर स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक अमले ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। साथ ही जिला प्रशासन और कलेक्टर संदीप जीआर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीना आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईखेड़ा लेधोरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। दरअसल कल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के बीना नगर को जिला बनाए जाने की अटकलों के बीच दोपहर करीब 1:10 पर हेलीकॉप्टर के जरिए बीना पहुंचेंगे। वह यहां करीब 3 घंटे तक रहकर स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का आवंटन करेंगे। इसके अलावा वह कुछ विशेष घोषणाएं भी कर सकते हैं। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीती 4 सितंबर को जिले के बीना आ रहे थे, लेकिन अचानक उनके पिताजी के दुखद निधन के चलते उनके इस दौरे को स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि जिले की बीना विधानसभा के संभावित उपचुनाव के मद्देनजर बीना को जिला बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इससे ठीक लगे हुए खोरई नगर को भी जिला बनाने की मांग अब जोर पकड़ चुकी है, जिसके चलते बीना को भी जिला बनाने की घोषणा शायद टाली जा सकती है। बहरहाल कल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के बीना दौरे पर रहेंगे और वह करीब 3 घंटे तक यहां रहकर स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अब बीना जिला बनेगा या नहीं, यह तो फिलहाल कल ही साफ हो जाएगा। बीना से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल, भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज सागर मध्य प्रदेश।